खैर की शादी में आ गई, मेरा अपना इवेंट है ही नहीं ब्रो। चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। बल्कि ये हमारा आ गया है, अब हम लोकेशन में फाइनली पहुंच गए हैं और यहाँ पे ज़ैनब की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलो और अपनी दुल्हन वाली एंट्री मारते हैं, अपनी खूबसूरती से सबको माला माल कर देते हैं। चल चल, हाँ हाँ, मैंने भी गाइस जोगर्स पहने, शोटा मत मारो ज़ैनब। गाइस, वो मैंने पूछा था कि इतनी ठंड क्यों है, गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। ब्रो इतना रश है यहाँ पे, इतना लग रहा है मैं किसी और की मेहंदी में आई हूँ, तो मेरा इवेंट है ही नहीं। इतने लोग, अल्लाह मैं मर गई। अभी आया तो यहाँ पे इतना रश है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐसा लगा मैं किसी गैर की शादी में आ गई हूँ, मेरा अपना इवेंट है ही नहीं ब्रो, दिस इज नॉट माय इवेंट। हेलो, पहले तो बताओ इतना लेट। अभी ऐसे मेरे क्योंकि हम प्यारे लग रहे हैं। मेरी मम्मा किधर है गाइस? फिर आपकी आवाम क्यों है? मुझे ऐसा लगा मैं किसी और की शादी में आई हूँ। आई स्वेयर, ये किसकी शादी है गाइस? तो गाइस, ये लड़के वाले मेहंदी लेकर आ रहे हैं। क्या फिलहाल मैं अपनी ब्यूटीफुल मॉम से मिलती हूँ एंड ब्यूटीफुल डैड से मिलती हूँ। हेलो मॉमी, क्या हुआ? नंबर दो मम्मा 10 out of 10 लग रही है, और मैं कैसी लग रही हूँ? कहीं लग रही हूँ। और ज़ैनब नंबर दें, आप भी नंबर देना, खुद मांग रही है ना। 100/100। अभी शादी इंजॉय करते हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भी क्या हो रहा है। अभी मुझे एक मेन बोर्ड दिखा, लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम पर्सनल फोन। बट ये उनकी बहनों को सब हक है। अभी गार्ड पता है, अभी बाउंसर आके मुझे कहता, मैं फातिमा कहता कैमरा बंद करें, कहती मैं दुल्हन की बहन हूँ। कहता सॉरी सॉरी सॉरी, हमें रोकी जा रहे हैं, हमारी शादी है भाई, मैंने इतने सालों से इंतजार किया शादी का, है ना। एक बात बताओ, मांग ठीक है? थैंक यू सो मच। ड्यूटी ड्यूटी तारीफें करती है शो, किसी से तारीफ ना। इस टाइम लोग सब अपनी तारीफ करवाने में बिजी हैं, कहीं हम लोग देखते हैं हरीफ भाई आ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे उनका चल रहा है सिस्टम। गाइस मम्मा की बस चुटिया देखो, मम्मा की मेरे निकाह की तरह मम्मा ने नकली चुटिया लगवाई है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी लग, मम्मा लग रही है सही दुल्हन की मॉम। ओके, और मैं दुल्हन की बहन। आप लग गए दुल्हन की बहन, दुल्हन की बड़ी बहन। मैं हाँ दुल्हन की बड़ी बहन हूँ, मैं दुल्हन की छोटी। आपने बिंदिया नहीं लगाई यार? नहीं लगा, बस भूल गई। मैंने ऊपर ग्लिटर लगाया, आपने बहुत प्यारा लग रहा है। आपको भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ये है मेन सामान सारा हमारा मेहंदी का। लुक, ओ माय गॉड, आज आप एक्स्ट्रा प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है आज आपके बाल, हाँ आज अच्छे लग रहे हैं, मेहनत की है मैंने बालों पे। और आपकी का ड्रेस से मैचिंग भी होगी दुपट्टे के ना। मेरे पास दुपट्टा आप ही। हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे डांस परफॉर्मेंस का, फिर मिलती हूं। आप बिजी हैं, एंजॉय करें। तक तक हो रहा है, मेरे से नहीं होना, मजा आएगा बहुत मजा। अभी आप देख रहे हैं, चलो बच्चा पार्टी, इतनी प्यारे लग रहे हैं सारे, सबसे क्यूट ये बच्ची, और ये भी वो प्यारी लग रही है। शादी में सबसे प्यारा ये छोटू लग रहा है, वो आज मेरे हाथ नहीं आ रहा, इतना प्यार लग रहा है कि मेरा हाथ ही नहीं आ रहा। छोटू छोटू, इतने प्यारे क्यों लग रहे हो? ये हमारी ब्राइड, यहाँ पे अभी सेज दिख नहीं रही, बाद में दिखाऊंगी। बहुत हैंडसम लग रहे हैं वो। पापा ने फुल वेस्ट कोट पहनी है, और पापा दोस्तों से मिल रहे हैं अपने। लड़के वाले हार जाएंगे, लड़के वालों को फुल कंपटीशन है, बहुत कम है उनके डांसेस। हम जीत गए,
यहाँ पे हमारा अच्छा सिस्टम है कि हमने पीछे सर्विस लगाई हुई है, पीछे नान शान है, चावल देसी चावल नान और लाइव फूड बन रहा है यार, और यहाँ पे तंदूर खोला हुआ है। ओह वाओ कितना प्रिटी लग रहा है यार। खाने में पालक चावल नान टिक्के नहीं है? टिक्के हैं, वो कवाली के साथ है। वो कवाली का टाइम मिलेंगे। अच्छा थोड़ा सा खाना देने आप, खाने का मैं दिखा दिया। खाना सबके टेबल पे हम लोग सर्व कर रहे हैं क्योंकि राजा के रहने में इतना मुश्किल होता है फिर आपको। ओके गाइस, तो इतने लोग शादी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, ओवर रश हो गया। हम रहते यहाँ पे आके खाना पड़ रहा है क्योंकि बैठने की जगह ही लिटरली हमें खड़े होकर खाना पड़ रहा है, और हमारे इतने गेस्ट खाने हमारे पीछे चेयर पड़ी हुई, कह रही है बैठने की जगह नहीं है। हाँ चेयर पड़ी हुई है, तो फिर आप भी तो नहीं बैठी हो, मेरे इतने दोस्त खड़े हुए अभी, और ये छोटे छोटे बच्चे भी इधर है, आप लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। चलो ढूंढो खाओ, मैं भी अभी खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। और गाइस फाइनल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और बहुत लाइक प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ओह माय गॉड, मैं पता नहीं भूल तो नहीं जाऊँगी सर, मैं सब भूल जाऊंगी यार। मैं बोलूंगी मैं खुद में चेयर अप करने के लिए, तुम नहीं भूलोगी। हम ठीक हो जाएंगे फुल, तुम लोग डांस करना, ठीक है? फुल डांस करेंगे, ओके गाइस। तो अभी हमारा डांस होगा स्टार्ट हो गया, बस अभी लाइन में यहाँ पे खड़े हो गए आकर, अभी दिल की धड़कन तेज हो गई है, मैं पागल हो जाऊँ। इतनी लोग इस टाइम हमें सामने से देख रहे हैं, वो हमारे दूल्हा दुल्हन सामने बैठे हुए हमें देखने के लिए। अब लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे सांस रुक रहा है फातिमा, आई एम डाइंग।
ओके गाइस, अभी यहाँ पर बारबेक्यू का भी काफी सीन हुआ है, ठीक है। अभी वो भी है यहाँ पे, तो कोई बारबेक्यू ही नहीं। अंकल बारबेक्यू कब आना है, कहाँ पे मुझे दिखाएं जरा। ये सर्व नहीं होगा क्या वहाँ पे? वाह इतना ज्यादा यम्मी। इतनी ठंड में आपको बनाने का मजा आता होगा, है ना? ठीक है, ये अंदर कब आएंगे सारे? के अंदर आने ही नहीं है, दे दिए हैं बस, इधर ही देने। सबको दे दिया खाना पीना, ये बच गए सारे जी, जी। सारे हमारे घर जाएंगे, पार्सल हो। ये भी हम लोग बांटेंगे, ठीक है। हाँ हम लोग बांटेंगे, गरीबों में बांटने, क्योंकि ये सदका भी देना होता है खाने का। यहाँ पे हमारे दूल्हे और दुल्हन जो है व्लॉग बना रहे हैं, नहीं सॉरी शूट करवा रहे हैं अपना। देख लिया मैंने, पकड़ लिया मैंने, ये सारे मेरे फन कर रहे हैं सारे। आप लोग भी करवाए शूट, मेरा तो पता है साली हूँ ब्यूटीफुल, इसलिए अच्छा था। ओके आप लोग शूट करवाए। ओके गाइस, सो फाइनली इवेंट अब कवाली खत्म हो गई है। मैं अकेली रोके आई हूं, तू कहां? हां आप रोके क्यों आई हैं? रोई क्यों है? मेरे पास थी चुप कराने के लिए। लेकिन रोई क्यों है? होश ही नहीं है कि आपकी मामा की कितनी बुरी हालत है। हां क्या रोई क्यों? आप ही की वजह से। हां तो और क्या, रोई चंदा में तो मम्मा का आंसू नहीं निकला। चंदा में चंदा मैं अब रखूंगी, मम्मा आपसे आपका ख्याल मैंने रखना। मम्मा सलामियाँ मिलना शुरू हो गया, छुपा लें जल्दी से। सलामियाँ मिलना शुरू हो गई, आप को मिल रही है ये सारी? नहीं आप ही को, बट मैं छुपा रही हूँ। सालियों का भी, सॉरी बहनों का भी हक होता है, मेरा ही होता है, ठीक है ना? कोई लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं, मैं आज ज्यादा प्यारी लगी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदल, इससे भी ज्यादा प्यारी लगूंगी। आप लोग जा रहे हैं? और आपकी मम्मा सबसे ज्यादा हसीन है। हाँ मम्मा तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पता चल रहा है मम्मा की बेटी की शादी है, बेटी की। बिल्कुल लगना भी चाहिए। सारे लोग ऑलमोस्ट चले गए और अब यहाँ पे गॉसिप शुरू होगी। मम्मा और आंटी दोनों गॉसिप कर रही हैं खड़े होकर, खानदान वाली आंटियों की। और उधर सब खाली हो गया, सब एक दूसरे पिक्चर्स बनवा रहे हैं सारे। और फातिमा इधर अपना शूट करवाते हुए, ठीक है, और उधर सारे लोग जाते हुए। मेरा फोन रह गया, मुझे कब पकड़ा? मेरे पास नहीं है आपका फोन। झूठना बोला, पहले तुमने इसको पकड़ाया था और इसने फिर आपने आपने अपने फोन से कवर उतारा हुआ है। यहाँ पे ढूंढते मिल जाएगा, देखते हैं मिल जाएगा। नीचे तो यहाँ पे कहीं फेंक फूंक तो नहीं दिया के लिए, कभी किसी का पकड़ लेती, कभी किसी का पकड़ लेती। मैं ढूंढती हूँ, रुक जा जरा, है नहीं अपने। मम्मा मेरा फोन बंद हो गया यार, लोगों से लोगों को कॉन्टेक्ट दे दो। जैनब पता नहीं क्यों रो रही है, रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो यार? ओए जैनब पास चोर चोर, देखा जैनब के पास था। और सारी गाइस लाइट्स ऑफ हो गई, इवेंट खत्म हो गया। आपने बारबेक्यू खाया? नहीं, बारबेक्यू बंद भी गया, आपको पता है? तो वहाँ पे टिक्के बोटी। हाँ तो खाया किसने? वो मैं खा के आई हूँ। तो अब बना कवाली के बाद? हाँ कवाली के बाद बारबेक्यू खाना है। कवाली के बाद भी बाहर जाके खाएंगे ना सब। अच्छा, हाँ। और अब इधर हम लोग शूट करने लगे हैं रील हमारी गर्ल्स की। मैंने अपना आज कोई सही शूट नहीं करवाया, मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ फन किया, डांस किया। ओके गाइस, इधर यहाँ पे शूट वगैरह कर लिए है, अब हम फ्री हो गए हैं, ठीक है। मम्मा भी फ्री हो गई हैं, अब निकलते हैं घरों को। मेरी कसम से कंधे इतने दुख गए हैं ना, बस घर जाके अब चेंज करना है। ये भी पूरे जुड़े वाली महारानी इधर रेडी, अंकल भी चंदो ना देख रहे हैं। हाँ लंबी, मैंने तो नीचे, यार आप दिखाओ नीचे, ये है हिरापी की गाइस लुक, ये इसकी लुक है। मैंने पता, मैंने अपनी लुक नहीं दिखाई पूरे ब्लॉग में, बहुत अच्छी लग रही है। घर चलो यार, बहुत ठंडा है। हाँ चलो गाड़ी में, हीटर में बैठते हैं। चलो चलो, बहुत ठंडा यार, ऐसे इतनी ठंड में अब हम निकल रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत यार ठंड में शादी करना। इट्स लाइक आप लोग कहते हो ना, इतना सीवलेस पहन के उसको ठंड लग रहा है। भाई ठंड पूरी लगती है, बस बर्दाश्त करना पड़ता है। अब वो एंड टाइम पे मेरे ड्रेसेस जब ऐसे बनकर आते हैं, मैं क्या करूँ? वो बंदा ही पीछे वाली कहानी, आप लोगों को नहीं पता क्या क्या होता है। गाड़ी इतनी दूर खड़ी और इतनी फोग है यहाँ पे, इतनी फोग में चल चल के जाना पड़ रहा है। चलो यार घर चलो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम लोग घर? मेरा मेकअप अब इस टाइम पे मुझे केक लग रहा है, क्योंकि रात के टाइम फ्लैश में पड़ी है, बट सुबह के टाइम मेरा मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चलो अंदर बैठो, चलो आ जाएंगे सब, बैठो गाड़ी में बैठो। फाइनली ओ मेरा ड्रेस तो हिला नहीं जा रहा, क्योंकि ना मेरी फ्रॉक बहुत टाइट थी। अल्लाह मुझसे हिला भी नहीं जा रहा मम्मा फ्रॉक से। ओ हेल्प मी यार, ऐसे कपड़े पहनना इट्स नॉट ईजी। ये बैग किसका है? उठाओ, मेरी बाजू भी नहीं हिलाई जा रही मुझसे अब, तो इतना मुश्किल हो रही है। चलो यार घर चलो, और मेरा पूरी गाड़ी नहीं जगह ले ली। अम्मा आप कहाँ बैठेंगी अब? ओके गाइस, सो फाइनली राबिया घर आ गई। ओह शिट, मेरे से कदम भी नहीं रखे, जो शुक्र है मैंने हील की जो जोगर्स पहने थे। डांस भी हमारे बड़े अच्छे हो गए हैं सारे, आप लोग भी देख ही लिए होंगे वैसे अब तक तो। मेरे ख्याल से मेरा व्लॉग देख लो, अब तक अपने डांस सबने देख लिए होंगे, मुझे पता है। आप ही के व्लॉग में देख लिए होंगे, इंस्टा पे देख लें,
मम्मा देख उतनी इतनी फोग है, ओह गॉड। चलो अब घर के अंदर चलते हैं और अब मैं कपड़े चेंज करूंगी फटाफट से, रेस्ट करूंगी। जी मम्मा। ओके okay, यार ये गिफ्ट्स वगैरह भी मिले हैं, ओहो वाह वाह। मम्मा इनके गिफ्ट्स के अंदर क्या क्या है? इतने गिफ्ट हैं, इतने तो गिफ्ट हैं। अभी एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी में बहुत सारे भाई, तो शादी होती है गिफ्ट मिलते ही मिलते हैं। मैं भी अपने दोस्तों की कहना कहूंगी अब मैं चेंज कर लूं, कम से कम एक फंक्शन के बाद 8 दिन छुट्टी है ना, कसम से। बट कह रहा अब एक दिन के बाद बारात है तो छोरा एक दिन रेस्ट करते हैं, मजा आ जाए।